अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू के कटलेट्स, जिसके लिए हमने 1 किलो आलू बॉईल किए हैं। मसाले हैं जिसमें कुटी मिर्च, पिसी हुई मिर्च, चाट मसाला, नमक, ज़ीरा, धनिया पुदीना और ब्रेड क्रम्स हैं। लेकिन ब्रेड क्रम्स में हमने हरी मिर्चें जो हैं पहले से पीस ली थी, हरी वाली जो मिर्च हैं वो हमने पीस ली थी। हमने ये बॉयल्ड आलू लिए हैं, हम इन्हें मैश करेंगे। आलू जो हैं वो आपके ज़्यादा ना बॉयल्ड वैसे नहीं होने चाहिए, पिचपिचे वाले नहीं, पानी वाले नहीं होने चाहिए। आलू जो हैं बिल्कुल ड्राई हों आपके। जी, ये पूरे हमने मैश कर लिए। हमने हरा धनिया डाला है इसमें, ये पुदीना ऐड किया है। ये हमने इसमें तिक्का मसाला डाला है, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जी, मसाले जाते हैं ये इसमें, नमक, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च और चाट मसाला, ज़ीरा, ये सब ऐड किया है। जी, ये ब्रेड क्रम्स हैं जिसमें हमने हरी मिर्चें पीस ली थी, इससे ये टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हरी मिर्च से और ब्रेड क्रम्स से, ये काफ़ी अच्छे बनेंगे। ये इन सबको मिक्स करेंगे। देखिए कितने ड्राई आलू हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी वाला पिचपिचापन नहीं है, इसे कि आपके कटलेट्स बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए हमने कबाब बना लिए इनके। ये अंडा लिया, अंडे के साथ हम इनको फेंट के फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आंच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आंच पे आप इसे फ्राई करेंगे। आलू के कटलेट्स अच्छे लगते हैं। आप इन्हें रमज़ान के लिए भी बना के रख सकते हैं, पराठे के साथ खाएं अच्छे लगते हैं ये, ब्रेड के साथ, पराठे के साथ। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है, लाइट ब्राउन ब्राउन हो गए ये। ये हल्की आंच पे हों और सिक जाएंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे मज़े के लगते हैं ये। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।